क्योंकि फिक्शन है, फिल्म फिक्शन है, और जो मेरा करेक्टर है वो फिक्शनल करेक्टर उसको करता है तो ठीक है, बट पर्सनली मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि फिल्में बड़ी मेहनत से बनाते हैं और उसके पीछे पता नहीं, हर आदमी की बहुत जिंदगी भर की एक जर्नी होती है, पूरी मेहनत होती है, तो उसको वो बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं। उसको अगर टी वी या डी वी डी पर देखना होता तो सीरियल बना देते हैं। तो जब मुझे लगता है जब वो इतनी ईमानदारी और मेहनत से फिल्में बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं तो मुझे लगता है ऑडियंस को भी बड़े पर्दे पर ही देखनी चाहिए। पर्सनली मैं पायरेसी देखती हूं। काफ़ी सारे मतलब आपने अगर ट्रेलर ही देखा होगा तो उसमें आज खुश तो बहुत हो गए तुम, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास गए हैं, मेरे पास माँ है, और चल जुटे तेरे पास तो अब्बा है, तो ऐसे बहुत सारे और फिल्मी डायलॉग्स हमने यूज किए, उनमें से ये दो हैं। फिल्में हीरोइन ना होने का रीजन पूछना है मुझे। फिल्में जब हम जब स्टोरी लिखी जा रही थी सर इसकी, इसमें दो चीज़ें थी जिसको जिसके ऊपर फोकस था, एक तो इंडो पाक रिलेशनशिप जो था, और एक जो था वो बॉलीवुड की दीवानगी या एक ट्रिब्यूट जो था हमारा बॉलीवुड को। मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं एक और ट्रैक इसका ओपन करता हूँ जो एक लव स्टोरी का ट्रैक है तो मैं कहीं ना कहीं इन दोनों को जस्टिफाई शायद नहीं कर पाऊँ, तो इन दोनों को जस्टिफाई करना या इन पे फोकस रहना मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन गेटिंग बिकॉज दिस इज़ व्हाट माय मेन स्टोरी वाज। साहब बच्चन साहब के बारे में कुछ भी कहना हमारी औकात नहीं है, बट सिर्फ सर झुका के थैंक यू बोल सकते हैं कि वो अगर उन्होंने उनको ट्रेलर पसंद आया, उन्होंने ट्वीट किया, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। जहाँ तक दूसरे स्टार्स हैं जिन्होंने देखी, जैसे विद्या जी ने देखी है, इट्स फिल्में ये मेरे ख्याल से जिस जो भी इस फिल्म दुनिया का हिस्सा है उसको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मुझे मानना है, क्योंकि हम कहते हैं बट बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं बहुत थैंक यू दिल से बोलता हूँ। ये फिल्में गाने नहीं हैं, फिल्में गाने हैं लेकिन वो अरिजीत दत्ता ने म्यूजिक किया है उसका, और वो पांच गाने मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं वो वाली गाने नहीं है, आरतियों की बात है, आप आरतियों की बात है, वो सब आरती दर्शकों को सुनाने। अभी हम बिग बी जी को थैंक यू बोलने के लिए एक आरती उनके लिए गा दूंगा। नहीं पता, मतलब हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव जो है वो जो फिल्मों का एक दीवानगी है, मेरे ख्याल से इस बात को कभी एक्सप्लोर किया नहीं गया है कि दोनों तरफ दोनों मुल्कों में बॉलीवुड को लेकर बहुत प्यार है, मेरे ख्याल से इस बात को कभी पर्दे पर नहीं दिखाया गया है। और एक बहुत बहुत ख़ास बात जो ये है वो ये कि सिनेमा की जो स्ट्रेंथ है, दैट सिनेमा कैन यूनाइट पीपल, इट कैन डिसॉल्व बॉर्डर्स, दैट इज़ समथिंग विच यू विल सी इन द फिल्म। आई थिंक दैट विल बी मे बी डिफरेंट है, दैट्स व्हाट हम लोग, मैं ये हम तीनों हैं जो अलग अलग बोलेंगे, तो मैं हाँ अपने अपने अंदाज में बोलेंगे। मैं डायरेक्टर हूँ तो बड़े दिल से सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और फिल्मिस्तान देखें, क्योंकि मेरा मानना है जो फिल्मों से करें प्यार वो फिल्मिस्तान से कैसे करें प्यार। 6 जून फिल्मिस्तान कमिंग शुरू।